देखा कि किस तरीके से प्रयागराज में आरएसएस के खिलाफ में जिहादी साजिश रची गई और अब इसका दिल्ली कनेक्शन सामने आ चुका है, जिससे ये साफ हो चुका है कि इस जिहादी साजिश की जो प्रिंट है, जो तैयारी है, वो दिल्ली में की गई थी। हालांकि रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर पहुंची और उस इलाके में पहुंचने के बाद से इस मामले को लेकर कई और बड़े खुलासे हुए हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली टू प्रयागराज जिहादी राग, पहले नकली नोट, फिर आरएसएस को आतंकवादी बताकर चोट और अब खुला जिहादी साजिश का नया चैप्टर। प्रयागराज के मदरसे में तालीम की पाठशाला की जगह देश को तोड़ने की साजिश चल रही थी। छात्रों को पढ़ाने की जगह नकली नोटों का खेल चल रहा था। शिक्षा देने की जगह संघ के खिलाफ जिहादी सोच पनप रही थी। साफ है कि एक मदरसे में ही कई कारनामे हो रहे थे और यही वजह है कि जिस मदरसे में एक हफ्ते पहले जाली नोटों की साजिश का खुलासा हुआ, वहीं संघ के खिलाफ किताबें मिली। लेकिन अब इस साजिश के तार प्रयागराज से करीब 650 किलोमीटर दूर दिल्ली के जामिया नगर से जुड़ गए हैं, क्योंकि प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में मिली किताबें दिल्ली के जामिया नगर इलाके में मौजूद एक प्रिंटिंग प्रेस में छपी थी। किताबों के पीछे लिखा एड्रेस इसी इलाके के अबुल फजल एनक्लेव पार्ट 1 का है। हालांकि रिपब्लिक भारत की टीम जब जामिया नगर में इस प्रिंटिंग प्रेस के ऑफिस पहुंची, तो ना तो हमें बाहर कोई भी बोर्ड और ना ही प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा कोई साइन नजर आया। लोगों से पूछने पर पता चला कि इसी एड्रेस के बेसमेंट में फॉरेस्ट मीडिया एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से प्रिंटिंग प्रेस चल रही है। रिपब्लिक भारत की टीम अंदर पहुंची तो कई किताबें रखी देखी, लेकिन इस प्रेस के मालिक ने सवालों का जवाब देने से साफ मना कर दिया। जिस तरीके से प्रयागराज के एक मदरसे के अंदर आपत्तिजनक लिटरेचर मिला, उस लिटरेचर के अंदर आरएसएस को एक आतंकवादी के तौर पर दिखाया गया है और वो जो किताब है वो दिल्ली के जामिया नगर इलाके में जो है वो छापी गई थी। हालांकि हम जानना चाह रहे थे कि कितनी किताबें छापी गई, कितनी किताबें बिकी, कहाँ का इसका सर्कुलेशन जो है वो किया गया, लेकिन पब्लिशिंग हाउस की तरफ से कोई भी जानकारी जो है वो हमें नहीं मिली। आपको बता दें कि आपत्तिजनक साहित्य तो मदरसे के अंदर से मिला ही, साथ ही नकली नोट छापने की मशीन जो है वो भी मिली। मतलब साफ है कि इस जिहादी साजिश की किताब में प्रयागराज और दिल्ली के पन्ने भी मौजूद हैं। दरअसल प्रयागराज के मदरसे में छापेमारी के दौरान मौलाना के कमरे से उर्दू भाषा में लिखे पन्नों और किताबों को पुलिस ने जब्त किया था। इन्हीं किताबों में आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी मिली थी। किताबों में संघ को देश का आतंकवादी संगठन लिखा गया, आरएसएस को आतंकवादियों का प्रशिक्षण केंद्र बताया था। लिखा था संघ आतंकवाद का सबसे बड़ा वाहक है। इस किताब में लेखक का नाम SM मुशर्रफ लिखा है, जो महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक बताए गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसे जिहादी फैक्ट्रियों पर लगातार एक्शन हो रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि आरएसएस के खिलाफ ऐसी साजिश क्यों रची जा रही है? क्या ऐसा करके देश में हिंसा फैलाने की प्लानिंग है? और क्यों ऐसे मदरसे मजहबी कट्टरता के नाम पर युवाओं को गर्म भट्टी में झोंकने का काम कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के नीमच से एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसे सुनकर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे एक शख्स ने लोगों को जगाने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। शख्स ने 1000 पन्नों की माला पहनी और उसे रेंगते हुए लेकर के पहुंचा कलेक्ट्रेट, जहां पे इसके बाद इस घटना को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। 2 महीने पहले अपन आए थे, दिनेश जी जैन कलेक्टर थे, तब उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करवा दूंगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सड़क पर करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद करता ये आम आदमी है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को अपने पेट में समा लेने वाले सिस्टम के अजगर के खिलाफ खुद रेंग कर शिकायत करते जाते आम आदमी को आप देख रहे हैं। गले में पीले रंग का झोला, हाथ में चप्पल और शरीर में उन शिकायतों का पुलिंदा है जिसमें दावा है कि ईमानदारी से शिकायत नहीं की गई। 2 महीने पहले अपन आए थे, दिनेश जी जैन कलेक्टर थे, तब उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करवा दूंगा।
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब को जनपद वालों ने रिकॉर्ड तक नहीं दिया और एसडीएम को रिकॉर्ड चाहिए तो ये रिकॉर्ड ही तो है मेरे पास। फुल भ्रष्टाचार है नीमच जिले के अंदर और सबसे ज्यादा है काकरिया तलाई पंचायत में जो थाना रतनगढ़ में आती है। नीमच की सड़कों पर इस तरह से कलेक्टर दफ्तर जाते इस शख्स को देखकर हर किसी के जहन में सवाल उठेगा कि न्याय मांगने का ये कौन सा तरीका है। जहां से घिसते हुए जाकर उन शिकायतों पर ईमानदारी के चश्मे से नजर रखने की गुहार करता एक शख्स है। भ्रष्टाचार के अजगर के खिलाफ यूं पहुंचने के बाद इसलिए क्योंकि दावा है कि हर शिकायतों को भ्रष्टाचार के आरोपी बचा जाते हैं। थक चुके हैं न्याय की बात करने वाली व्यवस्था से। मुकेश का आरोप है कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों ने साठ गांठ कर खूब काला पैसा कमाया है। जब शिकायत की तो अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन की मीठी घुट्टी पिला दी, जिसके बाद उनके पास इस तरह से न्याय मांगने का चारा ही बचा। करोड़ों रुपए की जमीन पूर्व सरपंच पुष्पाबाई व उसके पति मेघवाल ने 9 बीघा जमीन बना ली है, लेकिन प्रशासन को उसका हफ्ता आता है इसलिए प्रशासन उसकी जांच नहीं कर रहा है। इसमें मेन गुरु था इनका सबका गुरु, गुरु प्रसाद सीओ जिला पंचायत। गुरु प्रसाद के ऊपर ईडी का छापा पड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी आप सुन रहे हो मेरी बात, तो गुरु प्रसाद का पूरा रिकॉर्ड निकालिए, ईडी का छापा लगवाइए। इसके 1 अरब से ऊपर का घोटाला इसने 7 साल में नीमच जिले के अंदर करके गया है। किसी को ये ड्रामा तो किसी को पब्लिसिटी स्टंट लग सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ग्राम पंचायत से लेकर जिला दफ्तर तक में क्या किसी ने इस शख्स की सुनी जो इस तरह से न्याय मांगने की इसे जरूरत पड़ गई। झूठी जांच की गई जनपद वालों ने और ये झूठी रिकॉर्ड बना के लोकायुक्त को भेजा गया। जो सारे प्रमाण आपके सामने है, ये लोकायुक्त का लिखा हुआ सारे पे सील छप्पे लगे हुए हैं। ये सोहन को मोहन, मोहन को गधा, गधे को डायनासोर, डायनासोर को हाथी बता रहे हैं ये अधिकारी। और वहाँ पे मौके पे कलेक्टर या बड़ा अधिकारी कोई आने को तैयार नहीं है। जांचों में भी भ्रष्टाचार, जांचों में भी भ्रष्टाचार ये चल रहा है काकरिया तलाई पंचायत में। जरूरी है इस मामले में निष्पक्ष जांच करके मुकेश प्रजापति जैसे आम आदमी को न्याय और भरोसा मिले कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे भोपाल की। आपको बता दें कि भोपाल में एक स्कूल की छात्राओं ने अपने टीचर्स के खिलाफ में हल्ला बोल दिया है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये छात्राएं इस वक्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, साफ तौर पर ये स्कूल की तस्वीर है कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। और छात्राओं का टीचर्स के ऊपर ये आरोप है कि 5 मिनट की देरी से वो जब स्कूल आती हैं तो उनसे किस तरीके से घास कटवाए जाते हैं। स्कूल के आलम ये हैं कि आप देख सकते हैं कि एक क्लासरूम है जिसके हालात कैसे हैं, अलमारियां किस तरीके से गिरी पड़ी हुई हैं, बेंच टूटी हुई है, शीशे फूटे हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन छात्राओं की ओर से किया गया है। हालात यहाँ है, भारी हंगामा इस स्कूल में देखा गया है, अनियमितता स्कूल के भीतर है ऐसा छात्राओं का कहना है। और वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि ना पीने का पानी है, ना कोई व्यवस्था है और 5 मिनट की देरी से छात्र स्कूल आते हैं तो उनसे घास कटवाई जाती है, साफ सफाई करवाई जाती है। ये बड़े आरोप यहाँ पर छात्राओं की तरफ से लगाए गए। तो तस्वीरें हंगामे के बाद की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। छात्राएं कह रही हैं कि धूप में खड़ा रखा जाता है, भारी अव्यवस्था का मंजर है स्कूल में, पीने का पानी नहीं है, बाथरूम तक साफ नहीं है और नाराज छात्राओं ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त हंगामा काटा। सरोजनी नायडू, गर्ल्स स्कूल की छात्राओं को आज गुस्सा फूटा। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, थोड़ा सा लेट आने पर जिस तरह की कार्रवाई उन पर की जाती है, उनसे घास कटवाई जाती है, टॉयलेट साफ करवाई जाती है, इसको लेकर यहाँ पर तमाम जो छात्राएं हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और ये विरोध प्रदर्शन जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो हिंसक भी हो गया छात्राओं का। देखिए गुस्सा ऐसा था कि उन्होंने स्कूल में तोड़फोड़ भी कर दी। ये देखिए, ये स्कूल का एक रूम है जिसके गेट को पूरी तरह तोड़ा हुआ है, ये एक फैकल्टी की नेम प्लेट है जो इसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया है। ये बरसा जो मैडम है उनकी, उन्हीं की नेम प्लेट और उन्हीं के खिलाफ जो है गुस्सा था क्योंकि अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो बरसा में भी देती थी, मतलब कि बच्चे के लेट आने पर उनसे टॉयलेट साफ कराना और बाकी चीजों के आरोप इन्हीं बरसा में पर लगे थे। इस कैबिन के अंदर मैं जाता हूँ, ये देखिए जो अनवारी है ये पूरी अनवारियां इन्हीं छात्राओं ने गिराई है। कूलर की तस्वीर आप देखिए, ये कूलर है जिसको भी तोड़ दिया है।
सिस्टम है जिसे तोड़ा गया है। पंखे देखिए, इनको भी बच्चों ने तोड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि स्कूली बच्चियों का गुस्सा कितना जायज था। उनकी मांग उनको लगातार इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था कि देखिए जो जिन मैडम पे आरोप है स्कूल की, वर्षा मैम, उनके केबिन में इस तरह से छात्राओं ने तोड़फोड़ की है, पूरी अलमारियां तहस नहस कर दी हैं। फिर से दिखाता हूँ, ये कूलर है, इसे तोड़ दिया है। ये सिस्टम है, इसको भी देखिए, सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। पंखे की हालत आप देख रहे हैं, जो नेम प्लेट थी वो भी वर्षा, जो फैकल्टी थी वर्षा मैडम उनकी थी, उसको भी तोड़ा है और इसी तरह कई और जगह तोड़फोड़ की है। छात्रा को साफ कहना है कि सिर्फ 5 मिनट लेट आने पर जिस तरह से उन्हें धूप में खड़ा किया जाता था, घास छिलवाई जाती थी, टॉयलेट साफ करवाए जाते थे, इसको लेकर इन छात्राओं का गुस्सा था। हालांकि अब कांग्रेस विधायक के पहुंचने के बाद प्रशासन के लोग भी पहुंचे और उन्होंने अनाउंस किया है कि जो वर्षा मैडम है स्कूल की, उन्हें जो है स्कूल से हटा दिया गया है, लेकिन बच्चे जो है स्कूल की टाइमिंग भी बदलने की मांग कर रहे हैं।